Jai Hind all of you, welcome to Tirupati International School. I am your account teacher and this is your account lecture. And we continue as our chapter number first, our next topic. Our chapter number first is introduction of accounting. Our first starting to chapter number one and chapter number two is theoretical portion of our accounts part. Okay, आपके जो starting के दो chapters है वो ही accounts का theoretical portion है जिसमें आपको theory समझना है. थर्ड चैप्टर से आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप लोग अकाउंट्स बना सकते हो, अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हो. डन. तो इसीलिए टू चैप्टर्स में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, जो टर्म्स यूज़ की जा रही है, जो वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे अकाउंट्स में उसका नॉलेज आपको दिया जा रहा है. नाउ फ्रॉम चैप्टर नंबर थ्री आप लोगों को फिर एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय लाइक एसेट्स, आपको अभी पता नहीं है. बट जब आपको ये सब समझ में आ चुका होगा तो थर्ड चैप्टर से आप लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन लाइक मैथमेटिक्स के जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उस टाइप से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे. डन. मैथमेटिक नहीं है अकाउंट है बट ईजी है तो आपको समझ में आ जाएगा. बस उसके लिए आपको ये टर्म्स या पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटिटी मेंशन किया है तो बिफोर आ चुका है ये वर्ड, है ना. इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले ही एंटिटी वर्ड जब भी आया था मैंने कहा था एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस. तो आपको अभी पता है एंटिटी जहाँ भी आएगा उसका मीन्स है बिजनेस, जो भी बिजनेस किया जा रहा है या जो भी कंपनी है, फॉर्म है, एटसेट्रा. डन. तो ये सारी टर्म्स जब आपको याद होगा, समझ में आ चुकी होगी तो अकाउंट्स मेंटेन करना ईजी हो जाएगा. इन शॉर्ट इसे कहा जाता है अकाउंट्स की लैंग्वेज. क्लियर. अकाउंट्स किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं. ओके. तो टुडे वी स्टार्ट अवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स क्या है जो अकाउंट्स की लैंग्वेज भी कहे जाते हैं. डन. फर्स्ट इज एंटिटी. टेक आउट योर पेज नंबर 14 ऑफ योर बुक. डन. 1.5 बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग. बेसिक टर्म्स अकाउंट्स में क्या क्या होती है. फर्स्ट है एंटिटी. एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज अ डिफाइंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस. एंटिटी का मीन्स है बिजनेस जो कि एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखता है. इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि अगर मैं बोलूँ रिलायंस तो ओ आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री सबको पता है, बट रिलायंस को इंडस्ट्री एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस करती है. उसे हम अंबानी के साथ में, धीरू भाई अंबानी के साथ में जोड़ नहीं सकते. इसका मतलब है धीरू भाई अंबानी इज अ बिजनेसमैन एंड रिलायंस इज अ एंटिटी. ठीक है. बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों ही अलग है, अपना इंडिविजुअल सेपरेट एग्जिस्टेंस रखते हैं. अगेन रिपीट करो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, उन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते. इसका मतलब है अगर मैंने कोई कंपनी ओपन किया है तो वो मेरी एंटिटी है, बट अगर वो एंटिटी और मेरे बीच में एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा, मेरा एग्जिस्टेंस अलग है, उसका अलग है. मैं वो बिजनेस एज अ ओनर हैंडल कर रही हूँ तो मैं एक टाइप से वहाँ पर एम्प्लॉय के फॉर्म में वर्क करती हूँ. देन मैं वो बिजनेस की सारी चीज़ें मुझसे अलग है. बिजनेस में जो 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 चीज़ें हो रही है, जो जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कुछ लिया है, सोल्ड आउट किया है, परचेज किया है, वो सारी चीज़ें अलग है मुझसे, तो उसका अकाउंट अलग हैंडल किया जाता है. मेरा जो पर्सनल होगा वो अलग एग्जिस्टेंस रखेगा. हम दोनों एक नहीं हैं, हम दोनों सेपरेट हैं एक दूसरे से. मेरे जितने डेप्ट होंगे, मेरी जितनी उधारी होगी, वो बिजनेस फुलफिल नहीं करेगा. बिजनेस अलग है मुझसे. बिजनेस के जितने डेप्ट होंगे वो मैं फुलफिल नहीं करके बिजनेस का जो प्रॉफिट होगी, बिजनेस की जो इनकम होगी उसके थ्रू आउट फुलफिल किए जाएंगे, ना कि मेरी पर्सनल इनकम से. डन. तो एंटिटी है क्या होता है, एक बिजनेस है. एंटिटी का मीन्स एक सेपरेट बिजनेस है जो कि एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखता है. डन. बिजनेस एंटिटी मीन्स है स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइजेस. बिजनेस एंटरप्राइजेस को एंटिटी कहा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल दिया है सुपर मार्केट, बिग बाजार, ये सब क्या है, एक एंटिटी है. डन.
An accounting system is always devised for a specific business entity, also called accounting entity. इसको accounting entity भी कहते हैं, but use किया जा रहा है entity. Entity means business enterprises, like super bazaar है, super mall, जो भी malls है, big bazaar है, supermarket है, Reliance industry है, Tata है, etc. Then what do you mean by entity? Entity means a separate existence business. Then जो कि business को businessman से separate करता है, individual existence रखता है. Then Now our second point, transactions. Transactions means क्या होता है? पहले भी ये वर्ड आ चुका है, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जस्ट बिकॉज उसके बिना आपको वो पूरा का पूरा टॉपिक समझ में नहीं आता. बट अगेन ट्रांजेक्शन्स को थोड़ा सा इन बुक लैंग्वेज में हम लोग लर्न करेंगे, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन जहाँ होगा वहाँ पर बुक की लैंग्वेज आना ज़रूरी है. ठीक है. एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज. दो एंटिटीज, देखो एंटिटी वर्ड यूज हो रहा है, जस्ट बिकॉज यूज हो सकता है बिजनेस वर्ड भी, बट इन अकाउंटिंग टर्म एंटिटी यूज किया जाएगा. दो बिजनेस, टू बिजनेस और टू मोर देन टू बिजनेस और एंटिटी. डन. तो टू और मोर देन टू एंटिटीज के बीच में जो भी इवेंट्स होंगे, हैपनिंग्स होंगे इवेंट्स की, इवेंट्स कौन से होंगे जो कि मनी टर्म्स में ट्रांसमिट किए जा सकते हो, मतलब जिसे कि मनी फॉर्म में काउंट कर सकते हो, जिसको कि मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो इवेंट्स. ठीक है. मीटिंग है, गेट टुगेदर अगर टू एंटिटीज के बीच में तो सेलिब्रेशन है, तो उसे नहीं कहा जाएगा कि वो एक ट्रांजैक्शन है. बट टू और मोर देन टू एंटिटीज के बीच में कुछ भी गुड्स बाय करना, गुड्स सेल आउट करना, पैसा लेना, पैसा देना, कैश आना, कैश जाना, ठीक है, ये सारे जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो क्या, वो ये सारी जो हैपनिंग्स होगी वो क्या कहलाएंगे, ट्रांजैक्शंस. टू एंड मोर देन टू एंटिटीज के बीच में मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू होने वाले इवेंट्स जब हैपन होते हैं तो उसे ट्रांजैक्शंस बोला जाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल है परचेज. परचेज मींस गुड्स, गुड्स को बाय करना. देन परचेज मींस गुड्स बाय करना. सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सोल्ड करना. देन सेकेंड थिंग लिख सकते हैं कैश ट्रांजेक्शन, कैश आना. टू एंड मोर देन टू एंटिटीज है मेरे पास में और अदर के थ्रू, वो एक सिंगल भी हो सकता है, टू और मोर देन टू भी हो सकता है. डन. तो टू एंड मोर देन टू जब भी होगा उसका मतलब है उस एंटिटी के बीच में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो कहलाता है ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल आपको पहले ही बता चुके हूँ, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसीव फ्रॉम अदर एंटिटी, कैश गिवन टू अनदर एंटिटी. ओके. नाउ यू कैन क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसेट्स. एसेट्स इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन तक यूज में आएगा. ये दो जो वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड इज एंटिटी, सेकेंड टर्म इज ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना था, समझना था कि जहाँ भी एंटिटी लिखा है उसका मतलब है बिजनेस, जहाँ पर भी ट्रांजेक्शन लिखा है उसका मतलब है दो और दो से ज़्यादा एंटिटी के बीच में, टू और मोर देन टू एंटिटी के बीच में ट्रांजेक्शन्स, सॉरी इवेंट्स का होना, मॉनेटरी इवेंट्स का होना, जैसे कि मॉनेटरी टर्म्स इन मनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. ये दो सिर्फ आपको माइंड में क्लिक कर रखना है, जहाँ पर भी ये वर्ड यूज होंगे उसका मतलब क्या है. एंड इन बुक लैंग्वेज अगर थियोरेटिकल पोर्शन है तो आपको कैसे लिखना है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पॉइंट इज थर्ड पॉइंट इज एसेट्स. एसेट्स का मतलब है कि ये आपका एंड तक जाएगा, चैप्टर नंबर 9 तक आप उसे लिखोगे इन योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. आपको उसको वेरीफाई करना होगा कि एसेट्स क्या होती. सो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको उसमें भी लिखना है, उसे हर बार उसको यूज किया जाएगा. सो एसेट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर. ये क्वेश्चन पेपर में रिपीटेडली रिपीट होता है. ठीक है. बार बार आता भी है, एंड नहीं भी आता हो तो 12th के एंड तक इसको यूज़ किया जाएगा, आगे भी यूज़ किया जाएगा. तो आपको क्लियर होना ज़रूरी है एसेट्स क्या होता है. ठीक है. नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज एसेट्स. एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एनी एंटरप्राइजेस. किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस, किसी भी एंटिटी का इकोनॉमिक रिसोर्स है. इकोनॉमिक रिसोर्स है मतलब जब भी उस एसेट्स को, वो जो चीज़ है उसको जब आप वो सेल आउट करोगे इन एनी कंडीशन, आपको उसके बिहाफ में मनी रिसीव होगा या उसे मनी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल
इफ़ ये स्कूल है तो स्कूल की जो बिल्डिंग है वो स्कूल के लिए एसेट्स है ना, क्योंकि कभी ये क्या है, इसका वैल्यूएशन मनी में हो रहा है, ठीक है ना। हम इसको सेल करें या ना करें ये बात की बात है, बट अगर ये स्कूल है तो ये जो स्कूल बिल्डिंग है वो स्कूल के लिए क्या हो गया, एक एसेट्स हो गया, क्योंकि उसका वैल्यू अप भी जाता है कभी और एनी सर्कमटेंसेस डाउन भी जाता है, तो मनी में कन्वर्ट होके अप एंड डाउन इसकी वैल्यू बट मनी में कन्वर्ट होती है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 15 लाख, है ना। तो ये है बिजनेस की एसेट्स, स्कूल की एसेट्स, स्कूल को जब भी ज़रूरत पड़ सकती है वो इसको सेल आउट करके मनी ले सकता है ना, और नहीं भी सेल आउट करे तो बिजनेस एसेट्स है, ऐसे एसेट्स है, यूज़ किया जा सकता है एनी सर्कमटेंसेज में, ठीक है। एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज बाय द बिजनेस फॉर इट्स ऑपरेशंस। एसेट्स होता है जो कि बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज किया जा रही ऐसी चीज़ होती है। एसेट्स का मतलब है एक एसेट्स इज आइटम्स, ऐसी आइटम्स है। हम लोग बिजनेस में चले जाते हैं स्कूल्स में नहीं रहकर, क्योंकि हम लोग को अकाउंट किसका मेंटेन करना है, अकाउंट करना है मेंटेन बिजनेस का। सो इफ एनी बिजनेस है तो उस बिजनेस की जो बिल्डिंग है, जहाँ ऑफिस है, ऑफिस वर्क हो रहा है, फैक्ट्री है एटसेट्रा, जो भी उसकी बिल्डिंग्स है वहाँ पर जहाँ वर्क किया जा रहा है, वो सारी बिल्डिंग्स क्या है बिजनेस के लिए, एसेट्स है, डन। फिर और क्या एसेट्स हो सकती है, आइटम्स, वहाँ पर अगर मशीन होगा, मशीन के थ्रू और प्रोडक्शन हो रहा है, बिजनेस का ऑपरेशन हो रहा है, तो वो जो मशीनरी है वो क्या है, बिजनेस में यूज़ की जा रही है फॉर उसके ऑपरेशंस के लिए, दैट्स वाई वो जो मशीन है वो बिजनेस की यस एसेट्स है। क्लियर, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, तो एसेट्स एक ऐसी आइटम्स होती है जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। बट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, एसेट्स होती हैं टू टाइप्स की, टू टाइप्स है एसेट्स के। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, 4 to 6 टाइप्स होते हैं, बट अभी बेसिक्स के लिए आपको टू टाइप्स ही समझने, फिर उसके अंदर और आएगा तो जब आएगा तो एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। एसेट्स होती मेनली टू टाइप्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। फिक्स्ड, नाम से पता चल रहा है फिक्स है ना। तो फिक्स एसेट्स आर एसेट्स हेल्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए किसी बिजनेस ऑपरेशन में यूज की जा रही है, वो आइटम कहलाती है लॉन्ग टर्म या फिक्स एसेट्स। फिक्स का नाम से पता चल रहा है फिक्स है, फिक्स है कितने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। तो ऐसा आइटम, ऐसी एसेट्स जो कि लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस ऑपरेशंस में यूज किया जाएगा, उसे फिक्स एसेट्स कहा जाएगा, ठीक है। नेम के थ्रू आउट आपको हिंट मिल रहा है उसका, वो फिक्स्ड है, डन। नाउ द नेक्स्ट इज, कौन कौन सी होंगी, एग्जाम्पल के थ्रू आउट ज्यादा माइंड में याद हो, आपको रिमेंबर रखने में ज्यादा ईजी वे पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन सी फिक्स एसेट्स होंगी, बिल्डिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब बिल्डिंग ही नहीं होगा तब बिजनेस चालू कैसे होगा, उसके लिए आपको कोई बिल्डिंग तो चाहिए, कोई ऑफिस तो चाहिए, कोई फैक्ट्री तो चाहिए। सो ऑफ बिजनेस यूज़ के लिए जो बिल्डिंग यूज़ किया जा रहा है बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, वो बिल्डिंग क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है ना। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट्स। एज वेल एज मशीनरी, मशीनरी है, ऐसा तो नहीं है 1 month या 2 months में यूज़ करके वो मशीनरी फेंक दो या उसका यूज़ ही नहीं होगा। मशीनरी से होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए चलती है, तो वो मशीनरी भी किस में आ गई, फिक्स्ड एसेट्स में। एज वेल एज एग्जांपल दिए प्लांट, फर्नीचर, फर्नीचर यूज़ किया जाएगा ऑफिस वर्क के लिए, जो फर्नीचर यूज़ किया जाएगा वो क्या 1 साल में या 1 ईयर में या 1 month और 6 months में ख़राब हो जाएगा ना, वो कैसा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, चेयर है, टेबल है एटसेट्रा यूज़ किए जा रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें किस में आ गई, फर्नीचर किस में आ गया, फिक्स्ड एसेट्स में, डन। तो बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, प्लांट मतलब बड़े बड़े प्लांट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो प्लांट्स भी, जैसे मैक्सन फॉर एग्जांपल, मैक्सन कंपनी है तो वो चॉकलेट्स बनाती है, सबको पता है यहाँ पर, है ना, इंसुरेंद्र नगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो जो प्लांट उसके लिए मेंशन या एस्टेब्लिश किया गया है वहाँ बिजनेस में, तो उस मैक्सन की बिल्डिंग, मैक्सन का वो प्लांट, मैक्सन की एनी अदर मशीनरीज ऑफ पैकिंग एटसेट्रा, वो सारी किस में आ गई, फिक्स्ड एसेट्स में, डन। नाउ यू हैव क्लियर द पॉइंट, एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स, ठीक है, विद एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, एसेट्स का दूसरा टाइप है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होगी, करंट एसेट्स जस्ट फिक्स एसेट्स का अपोजिट है, जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में होती है,
ठीक है, अगर जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है और इजीली फ्लक्चुएट होती रहती है, फिक्स नहीं रहती है, बदलती रहती है, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर हेल्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस ऑपरेशंस में यूज किए जाएंगी। एग्जांपल दिया है डेटर। नाउ यू हैव वन डाउट, मैं व्हाट डू यू मीन बाय डेटर? डी ई बी टी ओ आर, इट्स नॉट डेबिटर, इट इज डेटर, ठीक है। बी इज साइलेंट इन दिस वर्ड, सो ऑलवेज प्रोनाउंस डेटर। डेटर मीन्स जिसको भी आपने गुड्स सेल आउट किया, बट ऑन विच बेसिस? नॉट कैश बेसिस, क्रेडिट बेसिस। उधार में किसी को गुड्स सेल आउट किया, किसी एंटिटी को, वो सेल आउट होने के बाद में पैसा आया नहीं है, कैश रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। गुड्स तो चला गया, माल बेच दिया है, गुड्स सोल्ड आउट हो चुका है उस पर्सन को या उस एंटिटी को, बट ऑन क्रेडिट बेसिस उधार में बेचा है तो पैसा नहीं आया, कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, क्रेडिट बेसिस है, तो कभी ना कभी तो वो पैसा देगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 lakh का गुड सोल्ड किया है मैंने एक्स को, बट वो एक्स ने अभी पैसा नहीं दिया, जस्ट बिकॉज ऑन क्रेडिट बेसिस सेल्स है, ठीक है, क्रेडिट में बेचा है, बट वो जो 1 lakh का गुड्स है, पैसा जो आना मेरा बाकी है, वो कभी तो आएगा, 1 month बाद में आएगा, एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग और डील 2 month बाद में वो पे करेगा एटसेट्रा, है ना। हो सकता है थोड़ा सा पैसा दे दे, थोड़ा बाकी रखे, तो वो जो भी डील हुई होगी उसके थ्रू पैसा आना बाकी होगा, तो वो जो पर्सन होगा या वो जो एंटिटी होगी वो क्या होगी? डेटर होगी। डेटर का मीन्स इन शॉर्ट, आगे के टर्म्स में है डेटर वर्ड, बट इन शॉर्ट करंट एसेट समझने के लिए डेटर वर्ड आया है, तो समझ लो डेटर का मतलब है ऐसा एंटिटी, ऐसा पर्सन जिसके थ्रू पैसा आना बाकी है, ठीक है। तो वो पैसा आएगा तो वो मेरा पैसा बिजनेस में आने वाला है, आने वाला है तो मेरी एसेट्स है, बट इन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, ऐसा तो नहीं 2-5 साल बाद में पैसा देगा, सिर्फ 1 month या 2 month का मेंशन होगा, तो उतने शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में कैश रिसीव होगा, तो वो क्या आएगा? करंट एसेट्स, क्योंकि वो कैसा है? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो डेटर जिनसे पैसा आना बाकी है वो होते हैं डेटर। किस में आते हैं? करंट एसेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैश और बैंक बैलेंस। कैश मतलब जो बिजनेस में कैश इन कैश फॉर्म में बिजनेस में है। बैंक बैलेंस मतलब इन बैंक अकाउंट्स, क्योंकि आजकल सारी की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती है, वो किसके थ्रू आउट होती है? बैंक के थ्रू आउट। चेक देना, चेक लेना, नाउ वी हैव अपग्रेड अवर सिस्टम, सो क्या आ गया? पेटीएम आ गया है, गूगल पे आ गया है, उसके थ्रू भी पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है, ठीक है। नाउ वी यूज बैंक्स फॉर अवर ट्रांजेक्शन्स एंड बिजनेस में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लॉन्ग डिस्टेंस में भी क्या हो जाता है, ठीक है, मोबाइल के थ्रू आउट अपने कैश ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे ही गुड सेल आउट किया है उसका कैश हम लोग रिसीव कर सकते हैं थ्रू आउट अकाउंट, बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं। बट बैंक अकाउंट में अगर वो पैसा है तो मेरी क्या है? एसेट्स है, क्योंकि कैश है बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता है, बिजनेस का पैसा है तो बिजनेस के लिए यूज़ होता है ऑपरेशन में, तो वो मेरी एसेट्स है। कि मेरे पास अगर 1 crore पड़ा है या 1 lakh 10 lakh अमाउंट है बैंक में, तो वो बिजनेस के लिए क्या एसेट्स है, क्योंकि वो कभी भी गुड्स को बाय करने के लिए यूज़ किया जाएगा, मशीन को बाय करने के लिए यूज़ किया जाएगा, तो बिजनेस की क्या है? एसेट्स है। बट कौन से टाइप के एसेट्स है? करंट एसेट्स है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। 10 lakh है तो 10 lakh हमेशा नहीं चलेगा, 10 lakh का क्या होगा? 8 lakh होगा, हो सकता है 15 lakh हो जाए, फिर डाउन होकर वापस 11 lakh हो जाए, डन। तो ये जो कैश और बैंक बैलेंस है, कैश मतलब इजी वे में बता दूँ ना, कैश कैश और बैंक में फ़र्क क्या है? दोनों ही बिजनेस का पैसा है, बट बैंक बैलेंस का मतलब है जो बैंक में पैसा है बिजनेस का, कैश का मतलब है इन शॉर्ट जो गल्ले में पैसा बोला जाता है ना, जो कैश फॉर्म में बिजनेस के एंटरप्राइजेज में अभी अवेलेबल है, बैंक मतलब जो बैंक बैलेंस में अवेलेबल है, डन, बैंक अकाउंट में। सो एसेट्स आर 2 types, फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, करंट एसेट्स फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। फिक्स एसेट्स के एग्जाम्पल मशीन, बिल्डिंग एंड प्लांट, फर्नीचर एटसेट्रा। करंट एसेट्स के एग्जाम्पल डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, क्लियर, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे टर्म्स आती है इसके अंदर एग्जाम्पल, बट जैसे जैसे आप अकाउंट्स करोगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ अभी के लिए इतना काफ़ी है। नाउ वी हैव क्लियर द टॉपिक एसेट्स। एसेट्स क्या है? बिजनेस की वेल्थ है एक टाइप से,
ठीक है, बिजनेस के पास में कितना सपोर्ट सिस्टम है, पैसा पड़ा है उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, उसको जब वो सेल कर देगा या उसका यूज़ करके वो और ज़्यादा इनकम अर्न कर सकता है। ठीक है, नाउ और नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर अपोजिट फ्रॉम ईच अदर, एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर अपोजिट फ्रॉम ईच अदर। कैसे? एसेट्स बिजनेस की वेल्थ है, लाइबिलिटी के नाम से पता चलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है मैम, लाइबिलिटी वर्ड मीन्स लाइबिलिटी एक टाइप से रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। बिजनेस को किसको कितना देना है, किसको कितना देना बाकी है ना, ये सारी बिजनेस की लाइबिलिटीज में आता है। ठीक है, आपको बुक लैंग्वेज में समझाते हैं। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट, डेब्ट मतलब उधार, जिसको भी अभी देना पे करना बाकी है। दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर, जो कि बिजनेस को इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा। जैसे डेटर को इन फ्यूचर डेटर से रिसीव होना होता है, वैसे ही लाइबिलिटी में इन फ्यूचर पे करना होता है। ठीक है, किसको पे करना है, बिजनेस को पे करना है, बिजनेस में आना है, बिजनेस से जाना है। सो लाइबिलिटी का मतलब है एक ऐसे टाइप का डेब्ट जो कि बिजनेस को इन फ्यूचर पे करना है। डन, दे रिप्रेजेंट क्रिएटर्स क्लेम्स ऑन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। क्रिएटर्स जैसे डेटर वर्ड आया ना, वैसे ही क्रिएटर वर्ड है। डेटर का मतलब ऐसा पर्सन जिससे पैसा आना बाकी है, क्रिएटर का मतलब ऐसा पर्सन जिसको पैसा देना बाकी है। रिपीट अगेन, डेटर वर्ड आया, डेटर का मीन्स था एनी पर्सन और एंटिटी जिसको कि कैश रिसीव करना है जिससे फर्म में, और क्रिएटर का मतलब ऐसा पर्सन और ऐसी एंटिटी जिसको कि फर्म को कैश पे करना है इन फ्यूचर में। डन, दोनों अपोजिट हो रहे हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी का मतलब है क्रिएटर्स, क्रिएटर्स कौन, जिनको कि पैसा देना, ऐसा डेब्ट जिनको पैसा पे करना, कैश पे करना बाकी है इन फ्यूचर बिजनेस को। ठीक है, डेट एंटिटी हैव टू पे, एंटिटी को पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिस फॉर एग्जांपल गुड्स जिससे भी हमने बाय किया है, तो उस पर्सन को हमने पैसा नहीं दिया है बट इन फ्यूचर देना है, तो क्रिएटर क्या हो गया मेरा, लाइबिलिटी। डन, बिजनेस की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी। क्लियर, बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन फाइंड इट नेसेसरी टू बोरो मनी एट वन टाइम और द अदर एंड टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। छोटा से छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस हो, दोनों को क्या कि गुड्स की जरूरत पड़ती है। जब तक गुड्स आएगा नहीं तब तक वो सेल कैसे करेगा। अच्छा ठीक है, आप बोलोगे मैम गुड्स बनाए तो बनाएगा, तो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए भी कुछ। अगर मार्कर बन रहा है तो मैं बोल रही नहीं मैम मार्कर हम यहीं बना दे, तो प्लास्टिक चाहिए मुझे, रॉ मटेरियल प्लास्टिक हो गया, वो बनाने के लिए मुझे चाहिए, वो तो मुझे बाय करना पड़ेगा है ना, फिर मैं उसको सेल आउट कर सकती हूँ। तो वो जो चीज़ मैं बाय करूँगी वो क्रेडिट में होगी, उधार में होगी, देनी तो पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा मैं कैश में ही दे दूँ है ना, क्योंकि रोटेशन चलता है, थोड़ा सा पैसा दे दिया है, गुड्स आ गया है, फिर उसके बाद में उसको सेल आउट किया, फिर मेरे पास में पैसा आया तो मैं उसको दूंगी, तो ये रोटेशन चलता रहता है ना। सारा का सारा ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होता है, क्रेडिट में भी होता है। बोथ टाइप के एंटरप्राइजेस में, कौन कौन से, स्मॉल एंड एज वेल एज बिग एंटरप्राइजेस। तो वो जो बाकी है देना वो लाइबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद में लाइबिलिटी भी टू टाइप्स की है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म से पता चल रहा है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम से पता चल रहा है शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए। लॉन्ग टर्म का मीन्स है, लॉन्ग टाइम का एग्जांपल कैसा ले सकते हो, लोन लिया बैंक से लंबे टाइम के लिए, एक साल में कंप्लीट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म का इजी वे में यूज़ किया जाए तो वन ईयर से ज़्यादा के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो लाइबिलिटी जो भी हो रही है वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, एक साल से ज़्यादा के लिए, वो सारी किस में आ जाएंगी, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, एग्जांपल है बिजनेस लोन, लोन लिया है तो पर मंथ पे किया जाता है, वो चलता है 10 ईयर्स, 8 ईयर, 5 ईयर्स। वन ईयर से ज़्यादा हो गया तो किस में आ गया, लॉन्ग टर्म में। एज वेल एज शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म जो वन ईयर के अंदर होता है, 12 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है, वो लाइबिलिटीज। वो कौन सी होंगी, क्रेडिटर्स। बेस्ट एग्जाम्पल ही क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मीन्स गुड्स जिससे हमने बाय किया है क्रेडिट बेसिस पर, उसको पैसा देना बाकी, वो जो पैसा देना बाकी है वो वन ईयर में कंप्लीट हो जाता है, तो वो किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में। विद एग्जाम्पल यू बेटर अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन और टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग। सो आज के लिए इतने टर्म्स ही इनफ है,
डन। आपको ये सारी टर्म्स विद बुक लैंग्वेज अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं। क्लियर? जय हिंद ऑल ऑफ यू।